हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फिर हेरियर में आ गए। टाटा हेरियर, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये सामने ज्वाला एडी का है रोड। देखिए सामने आप, ये टाटा हेरियर चल रही है अपनी। ये डी मोड पे देखिए, ये किस सीखने के लिए है, आपको सिखाने के लिए मैंने बनाई है वीडियो। नहीं तो वैसे मेरा कोई वो नहीं था चांस वीडियो बनाने का। ये देखिए मेरा एक्सीलेटर, पैर एक्सीलेटर पर रखा हुआ है, मेरा पैर क्लिच है नहीं इसमें, और डी ड्राइव पे चल रही है गाड़ी। ये देखिए, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, डी ड्राइव एंड ड्राइव और रिवर्स। आप यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हैं। देखिए ये स्पीड मोड है, ये मैंने Sport drive स्पोर्ट mode मोड आ गया, activated. अब गाड़ी चल रही है स्पोर्ट मोड पे। ये हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे हल्के हल्के, और जैसे ब्रेक छोड़ोगे आप वैसी गाड़ी चलने लग जाएगी ऑटोमेटिक। मैं भाइयों को सिखा रहा हूँ अपने, थोड़ा सीखने के लिए आप लोगों के लिए। जरूर सीखिए भाई, मैं इको मोड पे कर लेता हूँ, Economy drive mode बस नॉर्मल मोड activated. पे चलानी चाहिए कॉलोनी वगैरह में तो अपने। ये ब्रेक है, और ये देखिए सर, ये टाटा हेरियर मौज मारते हुए। ये देखो इसका मूड मैंने चेंज कर रखा, डी पे कर रखा है। जब एन पे करेंगे तो एन नॉर्मल हो जाएगी गाड़ी, और रिवर्स पे करेंगे तो आर हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, ये स्टूडियो है, ये हम लोग चले कैचम कैच। देखो सुन, पंजा रखते ही भागती है भाई टाटा हेरियर। आप लोगों को पसंद आई हो तो बताना भाई, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। देखिए भाई, मैं आपको रिवर्स करके दिखाऊंगा इसकी गाड़ी का। अभी तो मैं रोड पे चल रहा हूँ, ये पीरागढ़ी गांव आ गया हूँ। जंदर मियावली नगर है, पश्चिम बिहार, पीरागढ़ी के पास। ये हम कॉलोनी में आ गए अपनी, ये कॉलोनी है हमारी, इसमें हम काम करते हैं भाई। बहुत किया है मेरा जाने जान, मुझे क्या पता तेरी चाहत है बुरी। देखिए फैन, मतलब रेस पे ही पैर रखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं रेस पे ही पैर नहीं रख रखा अपना, भी चल रही है गाड़ी। मैं हल्का ब्रेक पे पैर रख के चलना पड़ता है इधर कॉलोनी में। यहीं से लॉक होगा और यहीं से ऑफ होगा। ये देखो ये ऑफ हो गया, साइड ग्लास यहीं से ऑन हो जाएगा। देखो ऑन हो गया, ये ऐसे ही है भाई। और ये की के लिए, इसके नीचे एक सिर्फ देखो आपको दिख रहा होगा, इसमें की निकलेगी अगर कभी आपकी लॉक हो जाती है गाड़ी और से नहीं खुलती है, तो ये अपनी की है। देखिए देखो ऐसे खुलती है, इसके अंदर छोटी चाबी होती है, चाबी है ये वाली। ठीक है, और ये अपना अंदर का केबिन, इनसे केबिन दिखा देते हैं। ये हेड लैम्प है, ये अपनी 3D लाइट है, ये कैबिन है। देखो इतनी अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर। मैं नंबर नहीं दिखा सकता भाई मैं आपको, ये टायर क्वालिटी है इसकी, ब्रोस्टोन के टायर लगवा रखे हैं, अलाई व्हील भी अच्छे हैं इसके। देखिए कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी मेरी। ये देखिए लेफ्ट हैंड पे भी दे रखा है यही, ये देखो कंडक्टर साइड पे। अंदर का सीन है हमारी गाड़ी का, लेफ्ट हैंड से। ये अंदर का केबिन है, देखो इससे खुलेगी, यहाँ से खुल गई। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है पीछे से भी, अच्छी चीज है भाई, क्वालिटी अच्छी गाड़ी की। हाय फ्रेंड, क्या हाल है, अब ठीक है। मैं आपको टाटा हेरियर के बारे में बता रहा हूँ आज फिर से नई वीडियो के साथ।
और क्या नाम है, आज इसके लेफ्ट और राइट के बटनों के बारे में बताऊंगा और की के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, और आपको क्लिच ब्रेक और रेस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप ब्रेक छोड़ोगे, रेस देने की जरूरत नहीं है, जैसे अपनी क्लिच छोड़ते हैं वैसी गाड़ी ही चलेगी ऑटोमेटिक भी। और आपको गियर के बारे में बताऊंगा, डी मोड के बारे में और स्पीड मोड और इको मोड।